झारखंड अभ्यर्थियों के आंदोलन से जल रहा है। आपको बता दें कि जहां झारखंड में टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का आंदोलन भी इसी तरीके से जलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आपको बता दें, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी 60-40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ इस विरोध की वजह से लगातार वो अलग अलग चरणों में लोगों से मुलाकात कर रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा पहले चरण में यहाँ पर तमाम लोगों से समर्थन मांगा गया था। सांसद हो, विधायक हो, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम लोगों से मिलकर उन्होंने यहाँ पर समर्थन पत्र मांगा कि आखिर क्या वो उनका समर्थन करेंगे 60-40 के विरोध में। तो यहाँ पर कई सारे विधायकों और सांसदों का उन्हें समर्थन भी मिला। वहीं दूसरी ओर अगर बात करेंगे तो दूसरे चरण में पूरे तमाम जगहों पर, चौक चौराहों पर, गांव गांव जाकर अभ्यर्थी सखुए के पत्ते के साथ घूम रहे थे और उलगुलान का ऐलान भी करते हुए नजर आ रहे थे 60-40 के विरोध में। अब अभ्यर्थियों का दो दिवसीय यहां पर यानी कि 10 और 11 जून को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसको देखते हुए आज यानी कि यहाँ पर 9 तारीख को मशाल जुलूस का कार्यक्रम रखा गया है। आपको बता दें कि लगातार जब से झारखंड सरकार की बनाई गई नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट ने रद्द किया था, उसके बाद से ही अभ्यर्थी आंदोलनरत थे और लगातार अपनी मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए थे। हम लोगों ने कई बार अभ्यर्थियों की बातचीत भी आप लोगों को सुनाई है कि आखिर अभ्यर्थी यहाँ पर क्या कुछ मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के झारखंड के ही मूलवासी और आदिवासियों का हक और अधिकार है। यहाँ पर जो झारखंड के लोग हैं उनका अधिकार है, ना कि बाहरियों का। जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं 40% ओपन फॉर ऑल आखिर क्यों किया गया है, वो भी पूरी तरीके से झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से कई बार ये बातें रखी गई कि आखिर ये 60-40 है क्या, हम तो 60-40 के बारे में जानते ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं और अभ्यर्थियों को ये बताना चाहेंगे कि ये जो 60-40 वाली बातें वो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर झारखंडियों को ही हक और अधिकार देने का काम हम लोगों की ओर से किया जाएगा। तो यहाँ पे लगातार यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष लगातार अपनी बातों को यहाँ पर रखता हुआ रहा है। सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि 2024 नज़दीक है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर अभ्यर्थी एक नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं और चुनावी मोड में आना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अब यहाँ पर लोकसभा में और साथ ही साथ विधानसभा में पढ़े लिखे अभ्यर्थियों की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के जो अभ्यर्थी है जिनको जो वो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा सके। अब देखना ये है कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर सामने आता है, क्या कुछ मशाल जुलूस के बाद यहाँ पर आंदोलन को आगे ले जाते हैं और दो दिवसीय जो यहाँ पर बंद का ऐलान किया गया उससे क्या कुछ यहाँ पर निकलकर सामने आता है, क्या सत्ता पक्ष की ओर से कोई पहल किया जाता है या नहीं। नमस्कार।